नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारे काम की में आज फिर आपका एक बार मैं स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आते हैं, जिससे ज्ञान के माध्यम से आपकी आत्मा के जो भी शक्तियाँ हैं, जो जागृत करनी होती हैं, वो अनुभवी व्यक्ति ही हमारे इस कार्यक्रम में आपको ज्ञान देते हैं। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में आपको एक चीज़ और बता दूं कि अलग अलग तरह का व्यक्ति आता है, एक नहीं है जो अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, साथ ही साथ आपको कहाँ कहाँ तक वो किस किस लेवल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं वो भी हम उनसे बात करते समय चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं आगरा भरतपुर से। पहले मैं आपको थोड़ा सा उनका सार में बता देती हूँ। नाम बताऊं पहले या फिर आप गेस करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज्ञान में बचपन से हैं, सेंटर पर 1979 से, आप सेंटर इंचार्ज 1980 से हैं। आप 1990 से धार्मिक प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। भरतपुर के अंतर्गत 14 सेवा केंद्र और साथ ही साथ 300 गीता पाठशाला को आप संभाल रहे हैं। भारत के चारों दिशाओं में ईश्वरीय संदेश आपने दिया है, अभी भी आप दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और विशेषकर आपने धार्मिक प्रभाग, महिला प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपने दी है, आप अभी भी दे रहे हैं। महाराजाओं और राजाओं की सेवा एवं प्रशासन एवं पुलिस की सेवाओं में आपने आज दिन तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2016 से आप संयुक्त प्रभारी आगरा उपक्षेत्र की हैं। सामान्य तौर पर आपने उत्कृष्ट सेवा देते आ रहे हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई सम्मान प्राप्त किए हैं आपने। आपका भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों का गहन अध्ययन होने के कारण उनके आध्यात्मिक रहस्यों को आपने जनमानस तक पहुंचाया है और अभी भी आप पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उद्घाटित सत्य ज्ञान आपको अति प्रिय है और लाखों आत्माओं तक आपने यह संदेश दिया, साथ ही साथ उस ज्ञान से जोड़ा भी है। आइए स्वागत करते हैं हमारे दीदी जी का। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, आपके बारे में बहुत सुना और साथ ही साथ हम देख भी रहे हैं और आपका अध्ययन भी किया मैंने, काफ़ी आपने सेवाएं की हैं और इतने समय से आप सेवाएं करते आते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ी सेवा करते हैं तो थक जाते हैं। जहाँ तक एक आत्मा की बात करें और शरीर की बात करें, कहते हैं कि आत्मा थकती नहीं है लेकिन शरीर थक जाता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आप आज दिन तक मुझे लगता है कि आप थके नहीं हैं अभी सेवा में। ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, कि शरीर थकता है, आत्मा नहीं थकती जी। क्योंकि एक आम बोलचाल की बातों में कहावत आती है कि चैतन्य खींचता है चेतनता की तरफ जी, और मुर्दा खींचता है मुरझाइश की तरफ। मुरझाइश माना थकना और चेतनता माना सजगता, ऊर्जावान बनना जी। तो हम सभी जानते हैं भारतवासी कि शरीर पंच तत्वों का जड़ पुतला है और आत्मा चैतन्य है जो मन बुद्धि संस्कार सहित है। और मैं आपका ध्यान खिंचवाऊं, हमारी सर्व शास्त्रों में श्रोमणि श्रीमद् भगवत गीता है जी, उसमें कहा गया है योगः कर्मेषु कुशलम्। जब हमारी ऊर्जा का उस परम उत्कृष्ट ऊर्जा से योग जुट जाता है तो हमारी वर्क एफिशिएंसी और वर्क एक्सीलेंसी दोनों बढ़ जाती हैं और उससे हमें सफलता मिलती है और सफलता हमें थकान आने नहीं देती है जी। इसलिए जितना हम सेवाएं करते हैं उतना हल्कापन उतना अनुभव की ऑथोरिटी बनते जाते हैं। जी दीदी जी, आपका हमने अभी बायो पढ़ा और साथ ही साथ मैंने दर्शकों को भी दिखाया और सुनाया कि आपने धार्मिक प्रभाग
और महिला प्रभाग और सुरक्षा प्रभाव, ये तो चलो हम समझते हैं, लेकिन ये धार्मिक प्रभाग क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या संदेश दिया इसमें? धार्मिक प्रभाग में के माध्यम से हमने भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष के संस्कारों को और भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, उसको बनाने वाला भारत का नागरिक है। जी जितना भारत का नागरिक चिंतनशील होगा, अध्ययनशील होगा, स्वाध्याय होगा, स्व परिवर्तन होगा, स्व सशक्त होगा, उतना ही वो अपने परिवार को सशक्त बना सकेगा। क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड करें, और आज हम देखते हैं व्यक्ति और परिवार और समाज पॉजिटिविटी को कहीं चाहते तो सब हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से वो मानव को करने की इच्छा पैदा करते कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और और करेंगे करेंगे, तो मैं सकारात्मक रहूंगा तो मैं औरों को भी सकारात्मक बना सकूंगा। पहले मैं करूं, हर अच्छाई को पहले मैं करूं। जी धर्म जी माने अच्छाइयों का पुंज, धर्म माना गुणों का पुंज। तो वो भावना को, वो भारतीय संस्कृति की मूलभूत शिक्षा की ओर हम इस धार्मिक प्रभाग के द्वारा जन मन के अंदर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उनमें भी सर्वाधिक महिलाओं को, क्योंकि महिला धर्म की और परिवार की धुरी होती है। जी। यदि आज हमारी महिला आध्यात्म चिंतन, धर्म की नीति नियमों को मानने वाली पुनः बन जाए, ऐसे नारी में नैसर्गिक गुण है धर्म और संस्कृति की पालना करना। लेकिन आज जो कुछ हमारी संस्कृति से नवीनीकरण मांग रही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो राजयोग का प्रभाग है, धार्मिक प्रभाग, ये एक उसमें नवीनीकरण दे करके, आधुनिकीकरण दे करके हमें धर्म के प्रति रुचि और रुझान को केंद्रित करता है। ये धर्म हमारे मन की श्रेष्ठता को, हमारे व्यवहार की उच्चता को कैसे जीवन में लाता है, जिससे जो मैं चाहती हूँ वो मैं पहले उनको दूँ, तो स्वाभाविक है जो मैं उन्हें दूंगी वो हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा धार्मिक प्रभाग हर जाति धर्म के लिए ये प्रेरणा का केंद्र बना, और उसके परिणाम स्वरूप आज लाखों धार्मिक लोग, हजारों धार्मिक लोग हमारे इस प्रभाग में जुड़े हैं, और उसका अपने धर्म के क्षेत्र से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात में बीच में निकालना चाहती हूँ कि धार्मिक अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हमारे ज्ञान में भी बोलते हैं कि धर्म के लोग हमारे इस ज्ञान में आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसको बिल्कुल नहीं मानते, जैसे शास्त्रों को ले लीजिए, या कुछ पंडित हैं ऐसे, या कुछ मंदिर के कुछ बहुत ही जैसे कहते हैं 108, 1008 ऐसे थे, उनको हम किस तरह से यह ज्ञान दें, कैसे उनको इस शिव बाबा का ज्ञान दे, कैसे इस संस्था में लेके आए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहती हूँ जी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की तरफ। हमारी दादी प्रकाशमणि जी और आदरणीय दादी जानकी जी को धार्मिक प्रभाग से बहुत गहरा लगाव था। जी एक बार की बात है, आदरणीय दादी जी ने जब हमारा यूनिवर्सल पीस पीस हॉल बना, तो उसमें पूरे भारतवर्ष के हिंदू धर्म के सभी संतों को और महात्माओं को, महामंडलेश्वरों को आमंत्रित किया। जी आदरणीय प्रेम दीदी भी ने बड़े बड़े उत्कृष्ट सेवाएं अपनी धार्मिक प्रभाग की हरिद्वार से देते हुए उन सबको आमंत्रित किया, और हमारी मनोरमा दीदी ने भी उस भारतवर्ष के सभी संतों महात्माओं को पूरे भारतवर्ष से आदरणीय दीदी दादी जी की इच्छा की पूर्ति के लिए और शिव बाबा का संदेश देने के लिए यहाँ बुलाया। जी लेकिन जब उन्होंने माउंट आबू में आकर हम बहनों के, हमारी दादियों के उत्कृष्ट व्यवहार को देखा, तो उन्होंने यही कहा कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सिखाते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वो यहाँ है। इसके साथ साथ दादी जी से ये कहा गया
कि दादी जी इतने सारे महामंडलेश्वर यदि एक साथ आ जाएंगे और इतने ऊंचे उपाधियों से युक्त संत यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ शांति स्थल को वो क्रांति स्थल बना देंगे, क्योंकि उनको सभी को मंच की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। तो हमारी आदरणीय दादी जी ने कहा, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शांति के सागर का शांति केंद्र है। और दादी जी ने उस सद्भावना को प्रवाहित करने के लिए कार्य के रूप में उसकी परिणति की और ओम शांति भवन के बहुत सारे क्षेत्र का एक विशाल मंच बनाया और उन सभी आमंत्रित अतिथियों को जो महामंडलेश्वर थे या उनसे ऊंचे पीठाधीश्वर थे उन सबको मंच पर स्थान दिया और वो सब यह व्यवस्था देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वास्तव में ये ओम शांति भवन नहीं, ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ नहीं, वास्तव में यहाँ शांति के सागर की शांति की किरणें फैल रही हैं और यहाँ मानवता का सच्चा प्रेम का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है और वह सभी संत महात्मा आविर्भूत होकर गए। इस प्रकार से प्रारंभ में जब हमारी संस्थान का भारतवर्ष में 1950 और 1960 के बीच में थोड़ा सा लोगों में विरोध रहा, जी जी लेकिन जब हमारी मानसिक और व्यवहारिक और कर्म की जो स्वरूप लोगों ने देखा, तब उनको इससे कोई विरोध वैर भाव नहीं हुआ और धर्म के ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन सभी धर्मों के प्रेमियों ने और सभी धर्मों के गुरुओं ने इस चीज को स्वीकार किया कि ब्रह्मा कुमारी अथवा शिव बाबा का ये सच्चा ज्ञान है और इससे ही वास्तविक रूप में धर्म को धारण किया जा सकता है। एक बात और है, जैसे अभी कुछ समय से बाबा मुरली में बहुत सचेत कर रहे हैं कि शांति से, संतुष्टता से, आपका क्या कहना है कि जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि टू लेट का बोर्ड या फिर लेट का बोर्ड, आपका क्या लग आपको क्या लगता है कि लेट का या टू लेट का बोर्ड लग चुका है? टू लेट का बोर्ड तो नहीं, पर हाँ, लेट का बोर्ड अवश्य लग चुका है जी, क्योंकि जो साकार बाबा के टाइम में भाई बहने थे उनकी स्थिति, उनका संस्कार, उनका स्वरूप और जो दादियों के सानिध्य में पालना प्राप्त करके भाई बहनों का तैयार निर्माण हुआ उनका स्वरूप और जो आज हमारे भाई बहने आ रहे हैं, उन तीनों कैटेगरी से इस अंतर को जाना जा सकता है कि हम लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। समय अपनी घंटी दे रहा है, हमें बड़ी सतर्कता के साथ अपने मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म की एकता के साथ, एक ध्येय के साथ कि मुझे नर से नारायण ही बनना है, मुझे नारी से लक्ष्मी ही बनना है, मुझे एक सच्चा मानव ही बनना है, मुझे सच्चा ब्राह्मण ही बनना है, उसके अंदर जो अलाय आ गई है, मानव से सच्चे मानव के बीच में जो अलाय है उसे निकालने में जुट जाना चाहिए। जब ये लक्ष्य हम लेते हैं तो बात कहने में एक सेंटेंस है कि ब्राह्मण से सच्चा ब्राह्मण बनना, मानव से सच्चा मानव बनना, ये कहने में एक सेंटेंस है, लेकिन यदि हम इस पर गहराई से अध्ययन करें, कार्य करें, तो पूरा जीवन भी थोड़ा है। ये झूठ और सच की जो अलाय, झूठ की अलाय निकलती जाती है तो सच निखरता जाता है और जब वो सच निखरता जाता है तो कई पर्दे के अंदर के पटाक्षेप स्पष्ट हो जाते हैं कि कहाँ कमी थी और क्या चीज हमें जीवन भर चाहिए थी और क्या हमें नहीं मिल पाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का धार्मिक प्रभाग इस ओर ही हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि हमने धान में चावल में धान भी मिला लिया उस मिलावट को यदि हम निकाल दें तो सच्ची मानवता, सच्चा धर्म, सच्चा स्वरूप हमारे जीवन का निखर आएगा और यही ध्येय हमारे धार्मिक प्रभाग। बहुत अच्छा। अभी आपने कहा कि
कुछ रह गया है या कुछ रहना चाहिए, अभी कुछ एक सेंटेंस था उसमें से मैं आपसे पर्सनली ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष जो अभी हमारा 2020 गया, अभी 2021 शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है कि मेरा जो पिछले साल छूट गया है वो इस समय मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, कोई ऐसी विशेष बात? बिल्कुल, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे 2020 में हमें सबको एकांत में रहना बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि जी हम लोग बहुत सेवाओं में और बहुत संपर्क में लोगों के रहते थे, जी लेकिन अंतरात्मा की चाहत बहुत थी। क्योंकि जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, तो चाहे मूल हमारे 1936 से लेकर 1950 तक का समय देखें, वो भी एकांत का था, जी लेकिन 1950 से लेकर हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1920 तक, 20 नहीं कहें बल्कि 1 साल पहले हम लोग इतनी विश्वव्यापी फिजिकल सेवाओं में व्यस्त थे कि एकांत का या अध्ययन का जो समय हम देना वो मिल चाहते नहीं पा थे रहा था। वो दे नहीं पाते थे। इतना हम सेवा प्रिय हो गए थे, इतना हम फिजिकल लेवल पर सेवाएं दे रहे थे, अंतरात्मा की गुहार थी कि हम लंबे समय के अंतर्मुखी बने, लंबे समय के हम अध्ययनशील बने, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस 2020 ने हमें वो सिखाया, बल्कि हमने देखा, हमें ही नहीं बल्कि आम जन ने भी इस ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। बाबा ने तो हम बच्चों को शुद्ध धन और शुद्ध मन और समय के सदुपयोग का ज्ञान पहले से ही दिया हुआ था, हम करते आ रहे थे, लेकिन 2020 में हमने मन के विचारों की क्वालिटी की शुद्धि को भी और बढ़ाया। हमने अपने खान पान की शुद्धि तो हम लोगों की थी, लेकिन मन के श्रेष्ठ विचारों की क्वांटिटी के साथ साथ क्वांटिटी घटी और क्वालिटी क्वालिटी बढ़ बढ़ी। गई। वो मानसिक आत्मिक शुद्धता की ओर भी हमारा ध्यान इस 2020 ने खिंचवाया। आज के ही महावाक्यों में ज्ञान सागर श्री बाबा ने कहा कि जहाँ प्राप्तियां हैं वहां वह संतुष्टता है, संतुष्टता है, बिल्कुल। और जहाँ संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है। जी जरूर। तो ये फैक्ट है कि हम बांटेंगे तभी, सेवा माना बांटना देना, लेकिन जब स्टोरेज होगा, माना हम 10 किलो बांट रहे हैं तो मेरे पास 11 किलो स्टोरेज हो, लेकिन 2020 ने ये रियलाइज हमें कराया कि हम जितना स्टोरेज कर रहे थे उससे ज्यादा बांट रहे थे, हाँ तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम थी। कम थी, बिल्कुल। अर्थात बाबा कहते हैं, वाचा की सेवा के साथ साथ मनसा की सेवा और बहुत सकाश की सेवा जरूरी। करो। तो ये सेवा की नेसेसिटी ने हमें रियलाइज कराया कि अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि क्वालिटी सेवा जितनी होगी, मनसा सेवा जितनी होगी, वो वाचा की सेवा से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होगी और परिवर्तनकारी होगी। और ये दो 2020 ने शुरू कराया है, तो ये सिद्ध करता है कि समय की सीमा, बहुत कम है। और अब 21 में भी वो हमारी पुरा जो हम ज्ञान के प्रारंभ में आए थे और जिन मूलभूत साधना के ऊपर हमारा यज्ञ आधारित था, उस पर पुनः हम चलना शुरू कर दिया, तो हमें महसूस हो रहा है कि सारा संसार जैसे ईश्वरीय शक्तियों के आगोश में आता जा रहा है, और हम उसके अंदर चमकते हुए सितारे जी अपनी एडवांस की और आने वाली स्वर्णिम दुनिया की नजदीकी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी नए साल में क्या करना चाहते हैं विशेष? नए साल में हम साधना हाँ साधना के द्वारा अपना आत्मिक उत्थान, हमारी स्पिरिचुअल भाषा में तो बाप समान बनना कहा जाता है, लेकिन आम जन के लिए उसे हम कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा की ओर और अधिक अटेंशन देकर अग्रसरित होना,
और समस्त विश्व की आत्माओं को भी इस आत्मिक सुख शांति के वाइब्रेशंस को पहुंचाकर उनकी मनसा द्वारा, सकाश द्वारा सेवा करके उन्हें हीलिंग देना। बहुत अच्छा दीदी। आज आप देखेंगे प्रकृति के पांचों तत्व भी प्रदूषित हैं, बिल्कुल प्रदूषित हैं। उनको भी इस शांति की, शक्ति की और एक सकारात्मक वायुमंडल की आवश्यकता है। तो इस साधना के स्तर पर हम मानव मन की चेतना को ही एम्पावर नहीं, बल्कि प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शुद्धिकरण का प्रवाह देंगे और कलेक्टिव रूप में देंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये नकारात्मकता का कलयुगी पहाड़ विसर्जित हो जाएगा और स्वर्णिम सुख में सतयुगी दुनिया का सुंदर समाज, सामंजस्य समन्वय का समाज और संसार निर्मित होगा। हमारा धार्मिक प्रभाग ऐसी ही कामना करता है कि हर घर में बालक कान्हा जैसा और बालिका राधा जैसी हो, नर नारायण जैसा और नारी लक्ष्मी जैसी हो, ऐसी मंगल कामना ये धार्मिक विभाग के द्वारा हमारी वरिष्ठ दादियों ने सिखाई और उस पर हम चलकर जनमानस को देना चाहते हैं। बहुत अच्छा दीदी। तो क्या आप दो, वैसे 2 या 3 मिनट तो कुछ भी नहीं होते हैं, फिर भी जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल 2 या 3 या 5 मिनट का जो बचता है, उसके आधार से क्या आप 2 या 3 मिनट हमारे विश्व को एक राजयोग के द्वारा कुछ वाइब्रेशन दे सकते हैं? जरूर जी बिल्कुल आइए, जी कुछ मिनट हम अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से समेट कर अंतर्मुखता की गुफा में केंद्रित करने, भ्रकुटी के दोनों भ्रकुटी के मध्य अपने मस्तक में चमकती हुई मणि का बुद्धि के द्वारा अवलोकन करें। वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा, धर्मों की दृष्टि से चेतना और आध्यात्मिकता के स्तर पर उसे आत्मा कहा जाता है, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ये शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है, पंच तत्वों का पुतला है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ, देह से न्यारी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, कल्याणकारी परम सत्य परम पिता परमात्मा की संतान, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा पिता से 80 शांति की किरणों को
अपनी आत्मा के अंदर जा रही है। और विश्व के ग्लोब पर उपस्थित होकर सर्व विश्व की आत्माओं को विश्व पिता के द्वारा शांति और शक्ति की किरणें प्रवाहित कर रही है। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, ओम शांति शांति। ओम शांति। शब्द नहीं है, आपने ये 3 मिनट 4 मिनट में इतनी शांति प्राप्त की हमें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये योग बहुत अच्छा लगा होगा। और विश्व में किस तरह से शांति देनी चाहिए, ये इसीलिए हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। दीदी जी, आज आपने हमें अलग अलग प्रभाग के बारे में बताया कि हम आपने किस तरह से लोगों को संदेश दिया है, सेवाएं की हैं, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, योग के द्वारा हमें विधि भी बताई कि कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, आज हमने इस कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से हमें यह योग प्राप्त हुआ और योग के द्वारा हम किस तरह से अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। अगली कड़ी में नए मेहमान के साथ और नए विशेष व्यक्ति के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।